और अब आज का अर्जुन में बात भारत बंद की। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐलान किसने किया है इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई राजनीतिक संगठन सामने नहीं आया है, लेकिन कई ऐसे संगठन सामने आए हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि कल भारत बंद होगा। 2 अप्रैल को हुए दलितों के भारत बंद के जख्म से देश उभरा तक नहीं, फिर एक और भारत बंद। सवाल यह है कि भारत बंद से देश को क्या मिलेगा। तारीख 2 अप्रैल 2018, तारीख 10 अप्रैल 2018, दलित आंदोलन, सर्व समाज आंदोलन। सोशल मीडिया पर कल के भारत बंद को लेकर सनसनी मची हुई है। केंद्र और राज्य सरकारों की नींद उड़ गई है। कल होने वाले भारत बंद की अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका सबूत है ये पोस्टर जो अलग अलग भाषाओं में भी है। जिसमें कुछ पोस्टरों पर जयपुर, दौसा, भुवनेश्वर का पता लिखा है। इसलिए सरकार ने सोशल मीडिया पर ही नकेल कसने की तैयारी की है। जब भी 2018 का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें 2 अप्रैल का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो दिन था जिस दिन देश दलितों के आंदोलन की आग में जलने लगा था। एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को दलितों के आंदोलन ने बंधक बना लिया था, जिसकी वजह से 12 लोगों की मौत हो गई थी और करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई थी। एक बार फिर देश में भारत बंद का ऐलान हुआ है और इस बार आंदोलन का आह्वान सर्व समाज ने किया है। एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है, और जो ये बंद हुआ था, ये बंद ज्यादातर गुंडागर्दी देश में ज्यादा थी। एम इसका ऑब्जेक्ट जो था वो दब गया था, लेकिन अब इसके विरोध में जो बंद होगा, इसके खिलाफ ब्राह्मण समाज इसमें पूरी तरह से पूरा साथ देगा इसका, और इसमें बिल्कुल शामिल भी होगा और आगे भी रहेगा। सुना आपने, आरक्षण मुक्त देश संकल्प की मांग को लेकर सर्व समाज के लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया है। जो माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है, SC Act में जो बदलाव किया है, वो बिल्कुल ठीक है, वो होना भी चाहिए। कोई कितना बड़ा क्राइम हो जाए, कोर्ट तो बेल उसमें भी देती है। वो ज्ञापन देंगे और काफी मात्रा में एडवोकेट्स इकट्ठे होकर के इसे DC को ज्ञापन देंगे, और पूरे फरीदाबाद वासियों से भी अपील करेंगे कि वो बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हम इसे करेंगे। तो सर्व समाज का पूरा समर्थन? हाँ जी, पूरा समर्थन। देश ने अभी 2 तारीख को भारत बंद के नाम पर हिंसा का तांडव देखा है, इसलिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। ये गृह मंत्रालय की जारी की हुई एडवाइजरी है, जिसमें राज्यों को अलर्ट होने के लिए कहा गया है, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेताया गया है। ये पहली बार है कि गृह मंत्रालय ने एजेंसियों की रिपोर्ट के बजाय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट वायरल हो रही है, जिसमें 10 अप्रैल को कई संगठनों ने आरक्षण का विरोध करते हुए भारत बंद बुलाया है, और ऐसे में गृह मंत्रालय को इस बात की आशंका है कि इस बंद के दौरान जातीय हिंसा बड़े पैमाने पर हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि MP, छत्तीसगढ़, UP, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भारत बंद को लेकर सबसे ज्यादा तनाव है, क्योंकि इन राज्यों में ज्यादा हिंसा हुई थी। भारत बंद संघर्ष समिति के द्वारा 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सांकेतिक बंद का आह्वान किया जाता है। मैं इस देश के संपूर्ण नागरिकों से एक आह्वान करता हूं कि सांकेतिक और ऐतिहासिक शांतिपूर्ण बंद में आप सभी हमारा सहयोग करें। इसके सभी सामाजिक संगठनों को कि वो एक साथ इस 10 अप्रैल के भारत बंद में हमारे साथ आएं और हमारा साथ दें। ये देखिए, MP में सागर की सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जिले के अधिकारी कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। शहर के जो 6 थाना क्षेत्र हैं, उनमें धारा 144 लगाई गई है। किसी प्रकार के विरोध धरना बाकी पर प्रतिबंध है। 5 से ज्यादा लोगों का समूह में इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कॉलेजों में शिक्षा का कार्य बंद रहेगा। इसके अलावा सभी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। देहात क्षेत्रों में भी सभी SDM को अलर्ट पर रखा गया है। कोटवारों से लेकर बाकी अमले को भी थाने पे
उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया। एमपी के भिंड, मुरैना, सागर, ग्वालियर, सतना में धारा 144 लगा दी गई है। कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं मंगलवार रात 10 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। कल सरकारी गैर सरकारी कॉलेजों में छुट्टी रखे जाने का आदेश जारी किया गया है, जबकि मंगलवार को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं। सुरक्षा बल सड़क पर मार्च कर रहे हैं। हर संवेदनशील इलाके को सुरक्षा बलों ने अपनी निगरानी में ले लिया है। यहाँ पर ब्रजमंडल क्षत्रिय महासभा ने कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये मैसेज वायरल कर दिया था कि वो आरक्षण के विरोध में 10 अप्रैल को मथुरा बंद करेंगे। मुक्त संकल्प हमारा के तहत कल 10 अप्रैल को पूरा भारत बंद है, और फेसबुक के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, और जो संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने तरीके से आह्वान कर रहे हैं कि आरक्षण मुक्त संकल्प हमारा 10 तारीख को बंद रहेगा। भारत पारियों भाइयों से और सारे जो मॉल मालिक हैं, एजेंसियां मालिक हैं, उनसे हमारी, उनकी तरफ से ही पहल की जा रही है कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। 2014 में देश में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार 2 अप्रैल 2018 को दलितों का भारत बंद हुआ। उसी के जवाब में कल सर्व समाज ने भारत बंद बुलाया है। पीएम मोदी पहले ही देश में बंटवारे की राजनीति का अंदेशा जता चुके हैं। हमारे खिलाफ ये ज्यादा तूफान क्यों खड़ा किया जा रहा है? दलितों के नाम पर राजनीति करके देश को तोड़ने की, समाज में तरह दीवारें खड़ी करने की कोशिश हो रही है, वो कभी भी देश का भला नहीं करेगी। जिस आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसे लेकर मोदी सरकार साफ साफ कह चुकी है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। बेवजह अफवाह फैलाई जा रही है। एक बार नहीं, अनेक बार पहले कहा है, आज भी कहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अटल जी ने कहा, पहले कहा है कि हम इन वर्गों के आरक्षण के पक्षधर हैं। हमारे रहते हुए कभी भी आरक्षण के प्रावधान समाप्त नहीं होंगे और ना हम किसी और को करने देंगे। इस प्रकार की स्थिति है, फिर दुष्प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। विरोध पक्ष के लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो नकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय सकारात्मक भूमिका निभाने का काम करें। देश में 2019 के चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। इसलिए जिन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर ज्यादा विरोध की आशंका जताई जा रही है। हर खबर की लेंगे खबर मास्को स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।